अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज क्या हाल है? आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज हम बनाएंगे हांडी गोश्त या आधा किलो मटन है। इसमें डालूँगी, इसमें सब कुछ एक साथ डालूँगी, चॉप किया हुआ मोटा, रफली चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर के दो पीस कर लिए, छिलका उतर जाएगा, दो तेज़पत्ते हैं, दो दालचीनी, एक बादियान का फूल, लौंग और बाकी काली मिर्चें वगैरह, वो आप देखते जाइए किस स्टेज पे आके डालती हूँ। अब ये सब एक साथ डाल दिया, इसमें डालूँगी हसबे जायका नमक, मिर्च, हल्दी, एक चम्मच मिर्च डाल दिया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए, हल्दी डाल दी आधा चम्मच, आधा चम्मच नमक, नमक डाल दिया, एक डेढ़ गिलास पानी डाल के हल्की आंच पे रख देंगे और दो तीन टेबल स्पून दही डाल देंगे। और ढक देंगे, पकने देंगे, पहले आँच तेज़ करेंगे, हांडी गर्म हो जाए फिर आँच हल्की करेंगे। दही, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया एक चम्मच, पहले डालना भूल गई थी, दही भी डाल दिया। अब इसको तैयार हो गई हांडी, गोश्त भी गल गया, बड़ा अच्छा गल गया, हड्डी ने गोश्त छोड़ दिया, इसके गलने की निशानी है। अब इसमें डालूँगी भुना कुटा हुआ जीरा, ये जीरा और धनिया मोटा और दरदरा सा, ये काली मिर्च घर की कुटी दरदरी सी, मोटी मोटी कुटी हुई। तैयार हो गई हमारी हांडी, है भून लेंगे थोड़ी सी, मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी मटन हांडी तैयार हो गई। मैंने थोड़ा सा बनाया कि बस आपको रेसिपी देनी थी हांडी की। तैयार हो गई, देखिए कितनी मज़ेदार शक्ल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दो वक्त कुरान पढ़िए, पांच वक्त नमाज़ पढ़िए, दुआ में मुझे भी याद रख रहे।